नमस्कार दोस्तों, शाकाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। साउथ मुंबई की गर्ल्स हॉस्टल में एक 18 साल की छात्रा के रेप के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव हॉस्टल के ही कमरे में मिला। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया है। उसका शव चरनी रोड स्टेशन के पास पटरी पर मिला है। मृतक छात्रा मरीन ड्राइव इलाके में सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसी हॉस्टल में काम कर रहे ओम प्रकाश कनौजिया 30 वर्षीय ने छात्रा के साथ पहले रेप की और फिर उसकी हत्या कर दी। कनौजिया यहाँ 15 साल से काम कर रहा था। पुलिस को इस मामले में तब शक हुआ जब मृतिका के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और आरोपी सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल में से फरार हो गया था। मृतक छात्रा अपने माता पिता के इकलौती संतान थी। वह पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने कहा है कि हॉस्टल की साथी ने आखिरी बार उसे सोमवार की रात 11:30 बजे देखा था। उसने लड़की को अपने कमरे में आने के लिए कहा क्योंकि वह चौथी मंजिल पर अकेली थी, लेकिन उसने कहा कि वह अपने कमरे में ही रहेगी। ऐसे में जब उसकी फ्रेंड उसके साथ में रहने नहीं गई और रात को जब यह वारदात हुई तो दूसरे दिन यह खबर सामने आई और तब पता चला कि गार्ड ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है और जो छात्रा है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो परवाच्या दिवशी सांगितलं तीन मला की हा ओम प्रकाश नावाचा जो चपराशी आहे तो येतो, लाईट बंद चालू करतो। मेट्रोला तिला म्हटलं सांग, तर मेट्रो म्हणजे ते कडू मॅडम आहे, ते डेंजर आहे, ते मलाच रागावेल। आणि माझ्या मुलीला साहेब चौथ्या मजल्यावर एकटीला एकाच रूममध्ये ठेवलं, तिच्यासोबत दुसऱ्या कोणत्याही मुली ठेवल्या नाही। का नाही ठेवल्या याला दोषी अंधारे मॅडम आहे, कडू मॅडम आहे। माझी मुलगी एकटी, मला एकुलती एक मुलगी आहे, तिला एकटंवर ठेवणं चौथ्या मजल्यावर यांना शोभा देते का? हे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल, गव्हर्नमेंट हॉस्टेल आहे। या गव्हर्नमेंट हॉस्टेलमध्ये सर माझी मुलगी सेफ नाही आहे। न्याय कोणाला मागायचा? मी मला न्याय कसा मिळणार? याला कारणीपती दोन्ही मॅडम आहेत, यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अन्यथा मी माझ्या मुलीची डेड बॉडी नेत नाही सर। फुले हॉस्टेलमध्ये तो धोबी आणि इस्त्रीकाम या कामासाठी कार्यरत होता। एकंदरीत झालेल्या तपासामध्ये हा आरोप या आरोपीने चरनी रोड रेल्वे स्टेशनच्या ट्रॅकवर बाजूला जाऊन आत्महत्या केल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या निष्पन्न झालेलं आहे। तिचा पेपर होता सोमवारी आणि नंतर ती जाणार होती। अशा वेळेला ज्या हरामखोर आरोपीने हे कृत्य केलंय तो मुळात धोबी होता। त्याचं काम होतं मुलींचे कपडे धुणे, इस्त्री करणे, अशा पद्धतीचं त्याचं कामाचं स्वरूप होतं। परंतु इथली जी मॅनेजमेंट आहे, इथल्या ज्या अधिष्ठाता आहेत, त्यांच्याशी झालेल्या बोलण्यानुसार सगळ्यांचा त्याच्यावर विश्वास आणि म्हणून त्याला वॉचमॅनचं कामही देण्यात आलं होतं।